अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर गुड। एनईडी ने जैसा कि अपनी एडमिशन पॉलिसी को अनाउंस कर दिया है, तो आपका जो मेरिट है वो किस तरीके कार से बनेगा और उसका प्रोसीजर क्या होगा, तो सुन लें आप लोग। जितने भी कराची बोर्ड के मेरे स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, उनका जस्ट फर्स्ट ईयर का रिजल्ट काउंट होगा, यानी फर्स्ट ईयर में जो उनकी परसेंटेज आई थी वो काउंट होगी, उसका 50% काउंट होगा। 50% आपका एंट्री टेस्ट का स्कोर काउंट होगा, यानी आपकी सेकेंड ईयर की परसेंटेज काउंट नहीं होगी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि और बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर सेकेंड ईयर में फिर आप हम जो है वो अगर अच्छी परसेंटेज नहीं भी आती तो कोई इशू नहीं है, ना पढ़ें, तो ऐसा नहीं है। सेकेंड ईयर का देखें रिजल्ट काम तो नहीं आ रहा एनईडी के एडमिशन के लिए, लेकिन बाकी यूनिवर्सिटीज के में तो आ सकते हैं ना काम। इसी तरह सेकेंड ईयर का रिजल्ट बहुत जगह काम आता है, तो आप अच्छे से पढ़ें और नॉलेज वाइज कॉन्सेप्ट वाइज अच्छे से पढ़ें, क्योंकि एनईडी टेस्ट में तो वहीं से आएगा ना। ए लेवल्स वालों का जो तरीक़ेकार है वो ओ लेवल्स के रिजल्ट के बेसिस के ऊपर डिसाइड हो सकता है, ये अभी कंफर्म नहीं है। हो सकता है कि आपका ए लेवल्स का अगर रिजल्ट जल्दी आ गया तो आपका ए लेवल्स का जो क्राइटेरिया है वो ए लेवल्स के रिजल्ट प्लस इंट्री टेस्ट होगा, अदरवाइज ओ लेवल्स प्लस इंट्री टेस्ट, तो ये अभी कंफर्म नहीं है। सही है, ये वाला ए लेवल्स वाला अभी कंफर्म नहीं है। कराची बोर्ड का कंफर्म है, जो कि फर्स्ट ईयर के रिजल्ट के बेसिस के ऊपर होगा। फर्स्ट ईयर की जितनी भी परसेंटेज है, चाहे वो 80 है 90 है, उसका 50% प्लस इंट्री टेस्ट का 50%। गैप ईयर और रिपीटर और इम्प्रूवमेंट और तीनों का जो है ना वो आपका एक ही तरीकेकार है, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट की जो भी आपकी परसेंटेज होगी ना उसका 50% प्लस 50% इंट्री टेस्ट। अच्छा, इंटरमीडिएट में बहुत सारे बच्चे समझते हैं सर सेकंड ईयर की परसेंटेज, नहीं ऐसा नहीं है। सिर्फ सेकंड ईयर की परसेंटेज नहीं, ना सिर्फ फर्स्ट ईयर की परसेंटेज, बल्कि आपकी टोटल एवरेज परसेंटेज ऑफ फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर, इन टोटल परसेंटेज ऑफ इंटरमीडिएट, जिसमें फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर की कंबाइंड परसेंटेज है, के बेसिस के ऊपर आपका एडमिशन होगा। और गैप ईयर वालों के लिए 10 मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट होंगे, तो ये याद रखिएगा। और सबके लिए 50% उनका रिजल्ट होगा प्लस 50% नीट टेस्ट होगा। सही है, तो अपना ख्याल रखें और अच्छे अच्छे एग्जाम्स देते रहें। अल्लाह ताला आपको और सबको मुझे कामयाब करें। आमीन। अल्लाह हाफिज़।